हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आपने भी 11 जून 2024 को इंटरव्यू दिया था और आपका स्लॉट जो था 2 PM था और आप पार्टनर रोल पे कैंडिडेट हो, तो गाइस आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट असेंचर की तरफ से आ रही है। और गाइस, आपके फाइनली जो रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे थे वो रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है गाइस जिनके पास कन्फर्मेशन के मेल देखने को मिले हुए हैं। तो गाइस, हम इस वीडियो में इसी पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। गाइज, मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने 11 जून को इंटरव्यू दिया था और ये पाडा रोल के कैंडिडेट है और इनकी जो स्लॉट है उनमें से छिट का था, तो गाइज उनके लिए रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। अगर गाइज आपके पास वर्कडे का मेल आता है, कन्वर्सेशन के मेल आते हैं या रीएक्टिवेशन से रिलेटेड मेल आता है, टास्क मेल का अगर मेल आ जाते हैं, तो अगर आपको इसमें कोई भी अपडेट आते हैं, आपके पास कोई भी मेल आपको रिसीव होता है, तो आप समझ जानना कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और असेंचर ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है और आपको सिलेक्ट भी कर लिया है। तो गाइस, ये सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। और 11 जून को जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनको कन्फर्मेशन के मेल देखने को मिल रहा है। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन करके उस मेल के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो गाइस, बिल्कुल भी इस वीडियो में स्किप मत करना और एंड तक देखना गाइस, ताकि जो भी गाइस मैं आपको बताऊँ वो आपको अच्छे समझ में आ सके। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो गाइस सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फाइनली जितने भी कैंडिडेट है जिन्होंने 11 जून को अपनी इंटरव्यू दिया था सेंचर में और ये पाडा रोल के कैंडिडेट है, तो गाइज इनके पास सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और इनकी गाइज इंटरव्यू रिजल्ट आउट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनको कि गाइज कन्वर्सेशन के मेल देखने को मिल रहे हैं, जो कि गाइज कन्वर्सेशन यू आर अ स्टेप क्लोजर टू बी अ पार्ट ऑफ द सेंचर फैमिली, इस नाम से मेल सारे कैंडिडेट्स को रिसीव हो रहे हैं। अगर गाइज आपको इस टाइप से मेल रिसीव होते हैं तो आप लोग समझ जाना कि आपका एसेंचर में सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए गाइज आपको इस टाइप के मेल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आपको वर्कडे का मेल देखने को मिल जाए, रीएक्टिवेशन का मेल देखने को मिल जाए, साथ ही गाइज आपको टास्क मेल भी देखने को मिल जाता है, कोई भी एक आपको देखने को मिल जाए, तो गाइज आप लोग समझ जाना कि आपका एसेंचर में सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा गाइज मेल में क्या क्या लिखा हुआ है गाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हो। डियर कैंडिडेट, कंग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेसफुली कम्प्लीटिंग आवर इंटरव्यू प्रोसेस। योर सक्सेसफुल कम्प्लीशन स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर टैलेंट एंड डेडिकेशन। वी बिलीव यू विल बी ब्रिंग वैल्यूएबल स्किल एंड पर्सपेक्टिव टू आवर टीम। ये गाइज इनका मेल में बताया हुआ है। प्लीज स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट ऑन योर कैंडिडेचर। इंश्योर टू चेक योर रजिस्टर ईमेल रेगुलरली फॉर ऑल फर्दर कम्युनिकेशन रिलेटेड टू योर कैंडिडेचर। तो गाइज आपसे फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे रजिस्टर ईमेल आईडी को चेक करते रहो, ताकि जो भी वो कम्युनिकेशन आपसे करना चाहे वो डायरेक्ट वहां से पता चलता रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर टिकट रेज कर सकते हो। ये गाइज असेंचर टीम की तरफ से आप लोग के लिए बताया गया है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके पास इस टाइप के मेल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गाइज ये कैंडिडेट है जिन्होंने अपने डिटेल्स बताया हुआ है कि इनकी इंटरव्यू कब हुई थी, तो गाइज देख सकते हो इनका इंटरव्यू 11 जून को 2 PM इनकी इंटरव्यू हुआ था, स्लॉट 2 PM की थी। रोल की बात करें तो गाइज ये पाडा रोल के कैंडिडेट हैं, आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, ये गाइज पाडा रोल के कैंडिडेट हैं और ये इनकी इंटरव्यू 11 जून को हुई थी। तो गाइज सबसे बड़ी अपडेट गाइज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भी इस टाइप के मेल रिसीव हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो। चलिए गाइस, आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।